तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा खास एपीएन सेटिंग दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है। और यूनिक होने के साथ साथ ये एपीएन सेटिंग 100% वर्क करता है। ये एपीएन सेटिंग आपके जियो इंटरनेट स्पीड को बहुत ज़्यादा बूस्ट करवा देगा, आपके जियो इंटरनेट स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करवा देगा। फ्रेंड्स, ये एपीएन सेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा सा यूनिक होने वाला है जैसे कि मैंने आपको बताया। बट उससे पहले, एपीएन सेटिंग दिखाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। शायद आप नहीं जानते होंगे, मेरे चैनल में हाल ही में 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। इसके चलते मैंने एक गिव अवे स्टार्ट किया है जिसमें प्राइस है 399 रुपीज़ की जियो रिचार्ज। आप में से किसी एक लकी विनर को मिलने वाला है 399 रुपीज़ की जियो रिचार्ज बिल्कुल फ्री में, वो भी टेक्नोमाइंड उज्जवल की तरफ से, यानी मेरे तरफ से। फ्रेंड्स, इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स जो है फॉलो करना होगा। अभी से आपको इस वीडियो पे एक लाइक करना होगा, मेरे चैनल को यानी टेक्नोमाइंड उज्जवल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद बाजू वाला जो बेल आइकन आएगा उसको आपको दबा देना होगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कोई अच्छा सा आपको कमेंट करना होगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना होगा, तभी आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप गिव अवे विनर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, इस गिव अवे में मैं खुद से विनर डिसाइड नहीं करने वाला। एक वेबसाइट आता है कमेंट पी करके, उस वेबसाइट के यूज करके मैं आप में से किसी को एक रैंडमली चूज करने वाला हूँ और उसे विनर डिक्लेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये वेबसाइट 100% जेन्युइन है, मैंने खुद से देखा है, आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम ना वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते और ये वाला एपीएन सेटिंग जो कि बहुत ज्यादा खास है और देख लेते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी न्यू एपीएन सेटिंग को अप्लाई करने से पहले आपको क्रिएट करना पड़ता है। आप क्रिएट कैसे करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले सेटिंग ऑप्शन पर चले जाए। सेटिंग ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे सबसे पहले जियो सिम जो है दिखा दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद एक्सेस पॉइंट नेम करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा 3 नंबर पे, यानी एपीएन। उस पर आप एक बार टैप कीजिए तो आपके स्क्रीन पे एक प्लस का आइकॉन आएगा और नीचे या फिर लिखा होगा, ऊपर भी लिखा हो सकता है न्यू एपीएन। आप यहाँ पे अपना स्क्रीन पूरा चेक कर लीजिए, यहाँ पे न्यू एपीएन करके यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है, उस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपका ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा और आपको कुछ चीजें जो यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो आता है वो है नेम। नेम पे आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे जियो 7:7:7:7 दे दीजिए, उसके बाद ओके। उसके बाद आपका आता है एपीएन। एपीएन पे आप सिंपली यहाँ पे जियो NET करके दे दीजिए, यानी जियो नेट, उसके बाद ओके। उसके बाद आपका आता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को आप नॉट सेट रहने दीजिए। उसके बाद आता है आपका पोर्ट, पोर्ट को भी नॉट सेट रहने दीजिए। उसके बाद आपका आता है यूजर नेम, यूजर नेम पे आप सिंपली यहाँ पे जियो SUPER सुपर 4G करके दे दीजिए, 4G, उसके बाद ओके। उसके बाद आता है पासवर्ड नॉट सेट, सर्वर, सर्वर पे आप यहाँ पे सिंपली GOOGLE.com दे दीजिए, उसके बाद ओके। उसके बाद आपका आता है MMSC, उसको नॉट सेट रहने दीजिए, MX Proxy नॉट सेट, MS Port नॉट सेट, MCC एंड MNC ये आपके एरिया कोड है, इसको आप बिल्कुल भी छेड़खानी मत कीजिए। उसके बाद आपका आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसको आप सिंपली पैप कर दीजिए, PAP। उसके बाद आपका आता है APN टाइप नॉट सेट, APN प्रोटोकॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे APN प्रोटोकॉल आपका IPv4 या फिर IPv6 रह सकता है, उसको आप सिंपली चेंज करके IPv4/IPv6 कर दीजिए। उसके बाद आपका आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, APN रोमिंग प्रोटोकॉल को भी आप IPv4/IPv6 कर दीजिए। उसके बाद आपका आता है VRR, देखिए यहाँ पे अनस्पेसिफाइड रहता है, उसको आप सिंपली अनटिक कर दीजिए। यहाँ पे LTE, HSDPA एंड GPRS, इन तीनों को सिलेक्ट करके ओके दबा दीजिए। उसके बाद आपका आता है MVNO टाइप, उसको भी नॉट सेट या फिर नान रहने दीजिए। उसके बाद आता है APN PPP फोन नंबर, उसको भी नॉट सेट रहने दीजिए। उसके बाद आपका मोड ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कहीं भी एक ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पे 3 लाइन हो सकते हैं, उस पर आप क्लिक कीजिए और इस APN को सेव कर दीजिए। सेव हो जाने के बाद आपको यहाँ पे दो APN दिखेगा, एक तो हो गया जियो का डिफॉल्ट वाला यानी इंटरनेट और दूसरा हो गया हमारा नया वाला जियो 7:7:7:7, उस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए तो आपके APN सेटिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपना सिंपली नेट स्पीड जो है चेक कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन से। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका नेट स्पीड जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, जियो इंटरनेट स्पीड आपको पहले से बहुत ज्यादा बेहतर इस APN सेटिंग से मिलेगा। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी लास्ट में देता हूँ, जो गिव अवे मैंने स्टार्ट किया है 15 दिन तक चलने वाला है। मान लीजिए आज महीने का 1 तारीख है तो 15 दिन तक, मतलब कि 15 तारीख तक अपने गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके बाद 16 तारीख को, मतलब कि उसके नेक्स्ट डे को, मैं उस गिव अवे का विनर आपको डिक्लेयर कर दूंगा। इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, अपने चैनल में अपलोड करूंगा, जिसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन विनर बना है। और फ्रेंड्स, अगर आप भूल चुके हैं क्या क्या चीज आपको करना होगा तभी आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहां पर मैंने सब कुछ अच्छे से लिख दिया है, तो वहां पर जाके आप सब कुछ देख सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।